जी जनाब, वेलकम बैक। कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है, क्योंकि हमारे साथ गुजर रही है और हमारे मेहमान हर बार चेंज होते जा रहे हैं। तो अब हमें कौन ज्वाइन कर चुके हैं? हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं, बोल का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त किस्म के सिंगर और आरजे हैं, जैन, और बोल के क्रिएटिव के हेड भी हैं। जैन, बहुत शुक्रिया आप मौजूद थे, लेकिन आप अकेले नहीं आए, अपना गिटार साथ ले आए। मैं गिटार साथ ले आया हूं। दो मेहमान आ गए हैं और साथ। तो जैन से जनाब आज हम गाने भी सुनेंगे, जैन से बात भी करेंगे। जैन खुद बहुत तेज़ बात करने को, जो जब वो बैठते हैं रेडियो पे और अपने जो बोल एंटरटेनमेंट पे अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कटाकट जो बना रहे होते हैं उसमें भी वो बड़े बोल न्यूज़ पे भी बिल्कुल जिस दिन मैं होता हूँ उसी दिन होते हैं। तो आप दोनों चैनल्स पर। तो हम जैन से भी कुछ सुनेंगे। तैमूर तालपुर साहब और उनके बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों को देख के, अब जो हमारी ईद की ट्रांसमिशन है वो मुकम्मल हुई थी जब दोनों बच्चे हमारे साथ आए हैं, जावियान भी और साथ। अच्छा, जितने चुप बैठे ना, मैं सोच रही हूँ इनसे ही सवाल। जी जी बिल्कुल, यहाँ से मुझे ये बताएं कि बाबा आपको कितनी ईदी देते हैं? खुद देते हैं या आप कहते नहीं बाबा कम दिया और दे, ऐसा कुछ होता है? माइक पे बताइएगा। 5000। अच्छा, नहीं जावियान से ही पूछ रही हूँ ना मैं, वो भी तो बताएं। बताएं जावियान, कितनी ईदी मिलती है? 5000। नहीं तो वो आपको 5000 मतलब एक्सेप्टेबल होती है? बाबा से बोलते नहीं बाबा ये तो कम है, क्या आएगा इसमें, और दे मुझे। ये 1 से शुरू होती है, 5 पे एंड होती है। बोली लगती है। मल्टीप्लाइड बाय 5 की जो है ना ये आर्गुमेंट होती है हमारी। चले अभी तक 5 तक रुके हुए हैं, अब इनको इतना ही पता है कि 5 तक ही है। नहीं, अगर खान साहब की हुकूमत रही तो भी 5 से हम वापस 500 पे आ जाएंगे। अच्छा आप बताएं, आपका ईद की क्या तैयारी होती है और बाबा लेके जाते हैं शॉपिंग पर, क्या होता है? बाबा से जिद करती हूँ बाबा मुझे ये लेना है, अब तो कोविड भी है, तो क्या होता है मार्केट जाना होता है? नहीं जाते मार्केट। कौन लाता है कपड़े? माइक पर बताना मुझे। मामा ला के देती हैं। आपको किस चीज़ का ज़्यादा शौक है? कपड़े। कपड़ों का? वो भी मामा ला के देती हैं। खुद क्या लेते हो, शॉपिंग पे जाते हो? नहीं। थोड़ा सा माई खरीद करना? नहीं। अच्छा कहाँ जाते हो, कहीं जाने की जिद करते हो बाबा से, बाबा मुझे यहाँ लेके चलें? बाबा yes. बोलते हैं नहीं कोरोना है अभी हम नहीं जा सकते बेटा। स्प्रिंग्स का बताएं, स्प्रिंग्स का बताएं, आगाज तो बंद हो गया, वहाँ से जरा हमें बचत होगी, अब सारा काम वहीं पे होता है। तो कहाँ जाने का होता है ज्यादा? बाबा से बोलते हैं बाबा यहाँ चलते हैं। आगाज। अच्छा, और उसके बाद स्प्रिंग्स। अच्छा अच्छा, ये बताएं, चले बाबा जावियान से ये पूछते हैं। ये सवाल है जावियान, सही सही बताएं, कैमरे पे सब लोग देख रहे हैं आप, मामा भी देख, अब आप मामा भी देख रही हैं, आप बताएं मामा अच्छी हैं ज्यादा या बाबा अच्छे हैं? माइक में बताएं, माइक पर अगर आपने कोई शरारत की है और आपको डांट पड़ी मामा से तो बाबा बचाते हैं आपको? ऐसा होता है तो ज्यादा अच्छा कौन है? बाबा रेस्क्यू बाबा करते हैं ना। बता दो, चुपके से बता दो, कोई नहीं सुन रहा, मामा भी नहीं सुन रहे। अच्छा, आप बड़े दुबले पतले हैं जावियान, खाते पीते नहीं आप? ये ज्यादा शरारतें, भागते दौड़ते हैं इसलिए स्मार्ट हैं। रोजे रखते हैं भाई, मुझे भी बताया है तालपुर साहब ने रोजे। अच्छा, रखते हैं माशाल्लाह। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक भी रोजा नहीं छोड़ा माशाल्लाह। अभी खाने का शौक तो है नहीं, तो रोजे में दोनों काम हो जाते हैं, सवाब भी कमा लेता है, खाने से बच जाते हैं। ये सिचुएशन भी नजर आ रही है। बच्चा लोगों के जब भी रोजा पूछो कि भाई रोजा है, तो बच्चा लोगों ने बोलते हैं भाई, कोनू बोलता है अलमारी में रखा है, कोनो बोलता है फ्रिज में रखा है, ई का वजह है? आजकल नहीं बोलते बच्चे ये। मैंने अपने बेटे से पूछा तुम्हारा रोजा है कहाँ रखा है, आप नहीं बोलते। मैंने अपने बेटे से पूछा कहाँ रखा है रोजा, आपने अपनी वार्डरोब में रखा है टेबल पे, कह रहे क्या हो गया, यहाँ क्यों रखूंगा रोजा, अल्लाह के लिए रखते हैं रोजा। ये हमारे बचपन में आजकल मेरे बेटे से पूछा, मैंने कहा रोजा रखा हुआ है, कह रहा है तोड़ दिया। यूं करके दिखा रहा है, कह रहा है तोड़ दिया। ये सही है यार, सेट है भाई। अच्छा जैन, आपसे और यासिर, आप जिस तरह ब्रेक के दौरान आप दोनों बड़े आंखों आंखों में बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है बड़ी पुरानी आपकी भी दोस्ती है। और दोस्ती मैं ये कहूँगा कि मैं इनका फैन हूँ। अच्छा, जो सच्ची बात है, हमने इनको देख के, ये इनके गाने, चांदनी इनका गाना जो था, क्या बात है, और ये सारे ट्रैक्स वो थे जो हम बचपन में सुनते थे बिल्कुल। सो ऑन कैमरा मैं इनको सुनता था और मैं आज ये मुझे खुशी होती है कि मैं इस फील्ड में अल्लाह ताला ने इतना मकाम दिया कि जिनका मैं फैन था उनके साथ बैठ के काम करता हूँ या उनके साथ शोज कर रहा होता हूँ। सो आई एम योर फैन, आई एम योर बिगेस्ट फैन। बहुत अच्छा लगा जैन के साथ, अभी हमने एक इंटरव्यू उन्होंने मेरा किया। हाँ जी, हाँ जी। तो इनका मैं, जैसे ये मेरे फैन हैं मैं इनका फैन हूँ, और हम एक दूसरे के फैंस हैं, और मैंने इनसे
कहा भी अब नेक्स्ट प्रोडक्शन में आपने अपेयर होना है हमारी। हाँ जी हाँ जी, मुझे ऑफर आ चुकी है। टैलेंटेड यार, अगर ये इतनी आपस में एक दूसरे की तारीफें करें तो हम लोग आपको नजर ही नहीं आ रहे। नहीं, हमें तो किसी ने कोई ऑफर नहीं आई है। आपको एक अलग अंजुमन सताईस से बाहर हमारे लिए अलग होगी, आपके लिए अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी ना। आपको पता है इसको कोने में होगी वो कहीं। मेरा पैशन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, मैं टर्मिनेटर हूँ, अभी चलता रहूंगा कुछ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जैन, हम चाहेंगे कुछ सुनाएं। आप गिटार ले आए हैं साथ में और आप गिटार बजा रहे होंगे, गा रहे होंगे, तो ये मैं गिटार पे तैमूर तालपुर साहब भी बहुत कुछ याद कर रहे होंगे उस गिटार में। तालपुर साहब बहुत सारी चीजें हैं, शौक है गुनगुनाने, बहुत सारी ऐसी सचू गुलवाने हैं, बच्चे जाके घर बताएंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बाथरूम सिंगर तो जरूर ही होते हैं वैसे गाने में। बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता है, हर कोई होता है ना, क्योंकि बाथरूम में और कोई है नहीं जो छोड़ के भाग जाए। नहीं वैसे कभी गुनगुनाते हैं घर में कुछ? बहुत कम, बहुत कम, बहुत ज्यादा दुख किसने दे दिया तो फिर। यानी कि दुखी गाने आपको ज्यादा पसंद है। वैसे आप खुशी वाले सुनाइएगा। मैं आज क्या करूं, मैं अब आपने बात ऐसी कर दी, मैं दुखी ही सुना दूंगा। नहीं, मैं वो गाना सुनाऊंगा जिस गाने ने हाल ही में हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है बोल बीट्स जी, तो उसमें एक गाना हमारा मैंने किया जिसमें मेरे साथ अनिलका ने गाया। ओके, बोल कफारा क्या होगा, क्या बात है, बेहतरीन। मैं चाहूंगा कि वही गाना, फेवरेट गाना मैं गाता हूँ तमाम, क्योंकि बोल की स्क्रीन पे हूँ तो बोल कफारा क्या होगा, क्या बात, ये आप तमाम लोगों के लिए अनप्लग लाइव जी। हो दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबाए दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा क्या होगा। तो ये गाना तमाम जितने भी लोग बोल के स्क्रीन देख रहे हैं उन सब के और आप सब, बहुत ही जबरदस्त गाना, बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच। और कटाकट जो है, हाँ जी कटाकट, उसके बहुत फॉलोअर हैं, बड़े फैन, मैं सोशल मीडिया पर जब देख रहा होता हूँ, इवन सैटरडे तो मैं प्रोग्राम बोल न्यूज़ पे भी देख रहा होता हूँ, ये बिल्कुल रेडियो स्टाइल को टेलीविजन पर लेके आना, अभी पाकिस्तान की किसी टेलीविजन स्क्रीन पर ऐसा ये चीज नहीं हुई, नहीं हो रहा। ये आइडिया कैसे आया, कहाँ से आया? यहाँ पे एक हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, शायद वो ट्रांसमिशन में भी थे भी, शाहजेब जी, जी, अच्छा, जी। शाहजेब रोहेला, ये और मैं ऑब्वियसली हम लोग जब भी बैठते हैं डिस्कशन कर रहे होते हैं, यार ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो ये आइडिया बैठ के जब निकला तो शाहजेब ने कहा यार ये तू ही क्यों ना करे, क्योंकि तू रेडियो करता आ रहा है और इट्स बीन लाइक 15 इयर्स मैं रेडियो कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ हो सकता है, कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हमने ऑब्वियसली फिर हमने आगे जब इसका एक डेमो रिकॉर्ड करके दिखाया तो फौरन अप्रूव हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो मुझे लगता है कि वक्ती तौर पर शायद उस वक्त मुझे या मेरे गेस्ट को बहुत गालियां भी पड़ रही होती हैं, बहुत बुरा भला भी कह रहे होते हैं लोग, क्योंकि हम लोग प्रैंक कर रहे होते हैं और लाइव कॉल पे प्रैंक करें किसी के साथ, किसी को कुछ पता ही नहीं उसके साथ क्या होने वाला है और वो मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन वो एक घंटा मुझे लगता है कि आपके पूरे दिन की परेशानी को, डिप्रेशन को खत्म कर देता है। मैं और यही चाहता हूँ कि इनफैक्ट अगर मैं किसी की मुस्कुराहट का सबब बनता हूँ एक घंटे के लिए सही, सो लेकिन जैन कभी ऐसा हो प्रैंक गले पड़ गया, मुसीबत हो गई, परेशानी हो गई, क्या करूं? ऐसा हुआ है, ऐसा अच्छा। ऐसा 3-4 दफा हुआ है। इनफैक्ट अभी हमने लास्ट प्रैंक किया था एक डॉक्टर साहब के साथ जो अच्छा। एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, अच्छा ENT स्पेशलिस्ट हैं वो, ओके, और उनको मैंने कॉल की तो वो शायद खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा मैं शो पे था ऑब्वियसली मुझे तो रिकॉर्ड करना था, हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी। मैंने कहा सलाम डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? कह रहे हैं वालेकुम सलाम कौन? मैंने कहा सर आप बिजी तो नहीं है? कह लेंगे खाना खा रहा हूँ। मैंने कहा मतलब बिजी नहीं है? तो पहले तो उनकी इस बात पे इनको गुस्सा आया, कह लेंगे बात कौन कर रहा है, क्या चक्कर है, आपने क्यों कॉल की? मैंने कहा सर आप ENT स्पेशलिस्ट हैं? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा सर डॉक्टर महक ने नंबर दिया। कहते हैं कौन डॉक्टर महक? मैंने कहा आई डोंट नो, मेरा एक प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम सुन लें आप प्लीज़। कह लेंगे क्या प्रॉब्लम है?
मैंने कहा आप नाक कान और ये हलक वाला ये वाला निज़ाम है ना आपका, कहते हैं हाँ। मैंने कहा मेरी बेगम ने नाक में दम किया हुआ है तो ये आप इसका इलाज बताएं। यार वो डॉक्टर, उसने सारी डिग्रियां शायद वो भूल गए थे उस वक्त जो उन्होंने मेरे साथ किया, और मैं आज भी उनसे माफी मांगता हूँ कि यार आई एम सो सॉरी मैंने आपके साथ ऐसा प्रैंक किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।